इस गांव में लड़की की शादी वाले दिन ही माँ बाप उसे विधवा यानी बेवा बना देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये संसार है, इस संसार में ऐसे ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसी अनोखी परंपरा है जहाँ इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ये खुशी का मौका है या दुख की घड़ी है। लेकिन जिस घर में शादी बारात होती है उस घर को लोग दूर से ही देख के पहचान जाते हैं, इस घर में शादी है। लेकिन भारत में एक ऐसा भी समाज है जिस घर में शादी बारात हो या कोई शोक सभा हो आप जान ही नहीं सकते हैं। अगर दुल्हन को देखें या विधवा को देखें सभी के कपड़े एक जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि कहीं भी शादी बारात होती है तो दूल्हे के कपड़े कैसे भी हों लेकिन दुल्हन लाल जोड़े में ही विदा होती है। लेकिन भारत के मंडला में रहने वाले आदिवासियों के रीति रिवाज अलग हट कर हैं। यहाँ के आदिवासी अपनी लड़की की शादी में सिर्फ सफ़ेद रंग ही इस्तेमाल करते हैं। दुल्हन और दूल्हा के कपड़े सफ़ेद होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि माँ बाप, रिश्तेदार, बच्चे और बूढ़े भी सब सफ़ेद कपड़े पहने दिखेंगे, और यहाँ तक कि जो बारात में आए हैं वो भी सफ़ेद कपड़े ही पहन के आएंगे। यानी कोई जश्न हो या मौत का घर हो आपको सब एक ही तरह के कपड़े पहने हुए दिखेंगे। आपको इस आदिवासी गौंडी धर्म के लोग सफ़ेद रंग को शुभ और लाल रंग को अशुभ मानते हैं। इस गौंडी धर्म में 7 फेरे तो होते हैं लेकिन 4 फेरे लड़की के घर में और 3 फेरे लड़के के घर पे होते हैं। कीप वॉचिंग माई YouTube चैनल ऑफ अमेजिंग वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई YouTube चैनल ऑफ अमेजिंग वर्ल्ड।